हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स विद एसके। इस वीडियो से शुरुआत होती है नेशनल इनकम के कैलकुलेशन की, और नेशनल इनकम के कैलकुलेशन की जब शुरुआत होगी तो उसमें सबसे पहली बात ये आएगी कि नेशनल इनकम जो है वो अपने आप में एक टोटल है। जैसे आपकी इनकम होती है, आपकी इनकम भी अपने आप में एक टोटल है। एक साल की कमाई हुई इनकम, एक महीने में, दो महीने में, तो टोटल है। इसी तरीके से नेशनल इनकम तो अपने आप में टोटल है ही सही, लेकिन डोमेस्टिक इनकम भी अपने आप में टोटल है, जीडीपी भी अपने आप में टोटल है, जीएनपी भी अपने आप में टोटल है, एग्रीगेट है, जीडीपी एंड एमपी भी अपने आप में एग्रीगेट है, एफसी पर है तो वो भी एग्रीगेट है। तो ये जितने भी टोटल है, जितने भी एग्रीगेट है, इनमें और नेशनल इनकम में क्या कनेक्शन है वो समझते हैं। शुरुआत करते हैं नेशनल इनकम के कैलकुलेशन की और बाकी रिलेटेड एग्रीगेट के बीच में क्या कनेक्शन है। अब इसमें देखिए, हमने भी सर्कुलर फ्लो के बारे में भी समझा था। तो सर्कुलर फ्लो में देखा था कि जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये इनको प्रोवाइड करेंगे, उसी अकॉर्डिंग रैंक रॉयल्टी इंटरेस्ट ऑफ प्रॉफिट देगा। यानी कि ये रैंक रॉयल्टी इंटरेस्ट और प्रॉफिट ये इन्हें देते हैं हाउस होल्ड को, राइट। और ये जितना भी एक्सपेंडिचर करते हैं उसी अकॉर्डिंग ये सारी चीजें दे पाते हैं। तो एक टाइम का सर्कुलेशन यहाँ पे चलता रहता है। तो एक एंगल तो ये हो गया कि एक्सपेंडिचर प्लस कर ले, एक एंगल ये हो गया कि इनकम प्लस कर ले, एक एंगल ये हो गया कि हम जो है जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम प्लस कर ले। मैं मान लेता हूं कि इसका जो तीन मेथड है, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन और रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट वगैरह इनकम के थ्रू, अब इनमें से मान लेता हूं मैं कि प्रोडक्शन वाले मेथड के थ्रू हम लोगों ने जितना भी प्रोडक्शन होता है एक देश में उस सब को हमने प्लस कर लिया। वो कैसे किया बात की बात है, लेकिन उस सब को प्रोडक्शन को पूरे देश में होने वाला प्रोडक्शन को हमने प्लस कर लिया। तो वो जो प्लस आता है, वो जो टोटल आता है, उस टोटल का नाम होता है जीडीपी। क्या नाम होता है? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, राइट। उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, राइट। ये जो टोटल आया, इस टोटल का नाम है जीडीपी एट एमपी। इसमें से यदि हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, डेप्रिसिएशन यदि हम माइनस कर देते हैं, तो ये ग्रोस की जगह बन जाएगा नेट एनबीपी एट एमपी। मतलब बाकी चीजें वही की वही रहेगी, लेकिन ग्रोस का आप क्या बन गया? नेट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब बात देखने की है कि ये ग्रोस से डेप्रिसिएशन माइनस करने पर नेट कैसे हो गया। तो आप दो मिनट समझिए कि कोई भी चीज हुई, आप उस चीज की, आप मार्केट जो प्राइस है, ऑब्वियस सी बात है आपको वही पता रहेगी। और आपको दूसरी बात यह है कि जब आप एक्सपेंडिचर करने जाते हो, आप एक तो यह हुआ कि प्रोडक्शन कहां कितना आ रहा है यहां से पता कर लें, दूसरा डेटा आप कहां से कलेक्ट करेंगे, दूसरा डेटा आप यहां से कलेक्ट करेंगे कि लोगों ने एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो लोग उन एक्सपेंडिचर करते हैं तो कोई भी चीज को मार्केट कीमत पर ही खरीदते हैं। अब मार्केट कीमत में, किसी भी चीज की मार्केट कीमत में क्या क्या चीजें शामिल होती है वो हमें समझना है। देखिए, किसी भी चीज की मार्केट कीमत में ये चीज तो शामिल होती है, मतलब कि वो चीज बनाने के लिए आपको रेंट दी होगी, रॉयल्टी दिया होगा, इंटरेस्ट दिया होगा, प्रॉफिट दिया होगा। यानी इसको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। तो फैक्टर पेमेंट तो किया ही होगा। मान लो रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट और प्रॉफिट, मान लो कोई पर्टिकुलर चीज है और वो पर्टिकुलर चीज के लिए फैक्टर पेमेंट किसी ने किया है 10 रुपीज, किसी फर्म ने कितना खर्च किया है 10 रुपीज, राइट। अब इस फैक्टर पेमेंट के अलावा उन्होंने टैक्स भी पे किया होगा, तो मैं टैक्स का अमाउंट रख लेता हूं, मान लेता हूं कि मैं टैक्स का पेमेंट 2 रुपीज में टैक्स का रख लेता हूं। इसके अलावा एक ऐसा पेमेंट भी होगा जो इन्होंने किसी को किया नहीं है, फर्म ने किसी को किया नहीं है, लेकिन वो उसमें इंक्लूड जरूर है। और वो कौन सा होगा? वो होगा किसी पर्टिकुलर चीज पर लगा डेप्रिसिएशन। हम डेप्रिसिएशन का पेमेंट किसी को देते हैं क्या? नहीं देते, लेकिन वो उस, हम उस चीज की कीमत में तो जोड़ते हैं। तो आप डेप्रिसिएशन भी उस चीज में शामिल होता है। मान लेता हूं 2 रुपीज उसका डेप्रिसिएशन है, अब यानी कि वो चीज बिकेगी कितने में? 14 रुपीज में। इस
फैक्टर पेमेंट में रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट ये तो सब आपने बाहर वालों को पेमेंट किया। मैं मान लेता हूं कि रेंट के लिए आपने 2 रुपीज किया, रॉयल्टी के लिए 2 रुपीज किया, इंटरेस्ट के लिए 2 रुपीज किया, बाकी का 4 रुपीज आपने प्रॉफिट कमा लिया। तो प्रॉफिट कमाया तो जो व्यक्ति यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहा है वो व्यक्ति भी तो कहीं ना कहीं हाउस होल्ड है, कहीं ना कहीं वो घर पे रहता ही होगा। तो रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट ये तो आपने बाहर वालों को दिया और 4 रुपीज आपने अपनी कमाई रख ली, तो ये सबको जोड़ो कि मैंने कितना बोला था 10 रुपीज। तो 10 रुपीज तो फैक्टर पेमेंट हो गया, यानी कि कोई भी चीज बनती है तो वो चीज में ऐसा पेमेंट तो होता ही है जिसके में उसका प्रॉफिट भी शामिल है, जिसमें दूसरों को जो जितना पेमेंट दिया, रेंट दिया, रॉयल्टी दी, इंटरेस्ट दिया और किसी भी टाइप से कोई पेमेंट किया उसको बनाने के लिए, वो सब तो शामिल रहता ही है। उसके अलावा उसकी कीमत में जो वो टैक्स पे कर रहे हैं वो भी शामिल रहता है। उसके अलावा वो उस चीजों को बनाने के लिए जितनी भी मशीनरी वगैरह पे डेप्रिसिएशन लग रहा है वो भी इंक्लूड रहता है। यानी कि एक पर्टिकुलर चीज की मार्केट प्राइस में, किसी भी पर्टिकुलर चीज की मार्केट प्राइस में ये तीनों चीजें इंक्लूड रहती, राइट। जब ये तीनों चीजें इंक्लूड है और यदि मैं इसमें से डेप्रिसिएशन घटा दिया, डेप्रिसिएशन मैंने घटा दिया, तो ये अभी तक तीनों इंक्लूड थे तो मैं इसको ग्रॉस बोल रहा था, जब मैं इसको हटा दूंगा तो क्या बचेगा? नेट। इसलिए जीडीपी में से जब मैंने डेप्रिसिएशन घटा दिया, जब मैंने ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन घटा दिया तो बचा क्या? नेट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ गया। नेक्स्ट बात यह कि यदि मैं इसमें से एनआईटी माइनस कर देता हूं, अब एनआईटी क्या होता है? एनआईटी होता है इनडायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि जितना भी हम टैक्स पे कर रहे हैं, जितना भी इनडायरेक्ट टैक्स, ये टैक्स कौन सा वाला है? इनडायरेक्ट वाला है। जितना भी हम इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं, इसमें मान लीजिए कि जितना भी डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं 50 रुपए, इसमें से यदि हम सब्सिडीज को माइनस कर दें, सब्सिडीज को हम माइनस कर दें, सब्सिडी मान लो 10 रुपीज की मिली है, तो हमें जो मिलेगा वो कहलाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि 40 रुपीज। 40 रुपीज क्या कहलाएगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कहलाएगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये कि फाइनली कितना टैक्स पेड किया, कितना सब्सिडी वापस मिली, उसको माइनस कर दिया। तो आप मुझे बताइए कि ये जो 40 रुपीज की जो चीज थी, इसमें से आपने 2 रुपीज और डेप्रिसिएशन के माइनस कर दिए। अब यदि मैं चाहता हूं कि वो फाइनली बिल्कुल उसके जितना फैक्टर कॉस्ट है या फैक्टर पेमेंट है मुझे वो लाना है, तो मैं इसको माइनस कर देता हूं, मैं इसको भी माइनस कर दूंगा, तो ये क्या बचेगा? अभी तक ये मार्केट प्राइस पर था, अब ये कौन सी प्राइस पे हो जाएगा? अब ये फैक्टर पेमेंट वाली प्राइस पे हो जाएगा। आप इसको फैक्टर पेमेंट बोल दे या फैक्टर कॉस्ट बोल दे, बात एक ही है। यानी कि मैं जब एनआईटी माइनस करूंगा, जब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा? एनडीपी एट एफसी, राइट। एनडीपी एट एफसी, आपको अभी तक का फॉर्मूला समझ में आया होगा। आपको समझना इतना सा है कि जीडीपी एट एमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो एनडीपी एट एमपी आता है, और एनडीपी एट एमपी में से एनआईटी माइनस करते हैं तो एनडीपी एट एफसी आता है, जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। इसको हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम, ठीक। वैसे फार्मूला हम आमतौर पर लिख लेते हैं, आप स्कूल वगैरह में आपने लिखा होगा, बड़े आराम से लिख लिया हो, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है, ऐसा हम करते क्यों है? इसलिए मैं ऐसा चीजें मुझे समझाना पड़ रही है। एनडीपीएट एफसी आया, यानी कि एक देश में जनरेट होने वाली इनकम, एक देश में जनरेट होने वाली इनकम, एक देश की टेरिटरी में जनरेट होने वाली इनकम। अब इसमें हम एनएफआईए प्लस कर दें, एनएफआईए प्लस कर दें तो हमें मिल जाता है, ये डोमेस्टिक से नेशनल हो जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और इसको ही हम बोलते हैं नेशनल इनकम। अब समझने की बात यह है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एनएफआईए प्लस किया तो एनएनपीएडएफसी आया, तो ये एनएफआईए क्या है? एनएफआईए क्या है? तो समझते हैं एनएफआईए क्या है, राइट। एनएफआईए समझते हैं, देखिए एनडीपीएडएफसी, इसमें हमारे देश में जनरेट हुई जितनी भी इनकम, ये हमारा देश है, इस हमारे देश में जितनी भी इनकम जनरेट हुई वो सब तो हमने लिख ली, लेकिन हमारे देश में बाहर से भी जो इनकम हमें मिली है, जिसको हम बोलेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्या बोलेंगे?
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सरकार में आप बोल दीजिए फीफा। अभी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मान लीजिए हम कि 200 रुपीज हमने विदेशों से कमाए, फैक्टर इनकम, फैक्टर ऑफ ट्रांसफर क्या होता जानते हैं आप, फैक्टर इनकम यानी जो अर्न की हुई इनकम है, 200 रुपीज हमने कमाए और हमारे यहां से मान लीजिए कि कोई कमा करके ले गए, जो विदेश में लेके कमा करके, मान लेते हमारे यहां से 150 रुपीज बोलो जो विदेश के लोग हैं यहां से हमारे यहां से कमा के वहां ले गए, तो उसको हम बोलेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रोड, फैक्टर इनकम टू अब्रोड। ये फ्रॉम अब्रोड में से फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड में से फैक्टर इनकम टू अब्रोड जब आप माइनस कर लेंगे 200 में से 150 अभी माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 50 रुपीज। ये 50 रुपीज जो आया है इसका नाम है नेट फैक्टर इनकम NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, इसका नाम है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। यानी कि देश के अंदर की इनकम जो थी वो तो हमने प्लस कर ही, अब देश से जो बाहर से आने वाली इनकम है जब हम वो भी हम इसमें प्लस कर देंगे तो ये कौन सी इनकम आ जाएगी, ये इनकम आ जाएगी इस देश में रहने वाले लोगों की इनकम, इस देश के रेसिडेंट्स की इनकम, राइट। तो ये डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में बेसिक डिफरेंस है वो किसका है, NFIA का, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। आई होप आपको ये फॉर्मूला यहां से लेकर यहां तक का फॉर्मूला क्लियर होगा, ये नहीं भी हुआ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आगे धीरे होता जाएगा। फिलहाल आप यहां से लेकर यहां तक का फॉर्मूला आप देखिए कि यहां से लेकर यहां तक के फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, GDP एट MP में से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो NDP एट MP आया, NDP एट MP में से NIT माइनस किया आया तो आपको NDP एट FC मिला जिसको हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, इसमें NFIA प्लस किया तो इसको हम क्या बोलेंगे, NNP एट FC बोलेंगे, ठीक। एक इसमें हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके देखते हैं तो बात और क्लियर हो जाएगी। मान लेते हैं आपको GDP दे रखा है, GDP एट MP मार्केट प्राइस आपको दे रखा है 1500, ओके। अब मान लीजिए आपको डेप्रिसिएशन भी दे रखा है, डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है 500, तो आपको NDP एट MP कितना मिलेगा, NDP एट MP हो जाएगा 1000, राइट। अब यहां NIT में दो चीजें शामिल है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी आपको करना है। मान लेते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स आपको दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स आपको दिया हुआ है 800 एंड सब्सिडी आपको दे रखी 600, तो NIT कितना आएगा बताइए, NIT आएगा 200, NIT मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो NIT आपने माइनस किया 200 तो ये आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया NDP एट FC, ये कितना है 800। NDP एट FC में आपको प्लस करना है NFIA, मान लेते हैं कि विदेशों से कमाई हुई इनकम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जो है वो दे रखी आपको 500 और फैक्टर इनकम टू अब्रोड आपको दे रखा है 300, तो NFIA कितना हुआ बताइए, NFIA हुआ 200, राइट। NFIA कितना हुआ 200, अब इसमें यदि आप NFIA प्लस कर देते हैं, NFIA यदि आप इसमें प्लस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, NNP एट FC नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये कितना हुआ, ये हुआ 1000, राइट। तो इस तरीके से आप ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि GDP में और नेशनल इनकम में क्या रिलेशन है, GDP में और नेशनल इनकम में रिलेशन ये है कि GDP में से डेप्रिसिएशन NIT माइनस कर दे और NFIA प्लस कर दे तो नेशनल इनकम आ जाता है। GDP और डोमेस्टिक इनकम में क्या रिलेशन है कि GDP में से डेप्रिसिएशन और NIT को माइनस कर दो तो NDP आ जाता है। अब आप बता सकते हैं कि NDP मतलब NDP एंड FC डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या कनेक्शन है, डोमेस्टिक इनकम में NFIA को प्लस करते तो नेशनल इनकम आता है, ये कनेक्शन है, या NFIA जो नेशनल इनकम है इसमें से NFIA माइनस कर देंगे तो NDP आ जाएगा, आप इधर से जा रहे हैं तो प्लस हो रहा है, इधर से वापस आएंगे तो माइनस होगा, ठीक। तो ऐसे कनेक्शन हमें बहुत सारे कनेक्शन अभी समझना बाकी है, ये सिर्फ शुरुआत थी, आगे और भी धमाके हैं, ये तो सब शुरुआत ही थी, आपको यदि फॉर्मूला क्लियर नहीं हुआ तो कोई वाली बात नहीं है, आगे वाले आने वाली चीज में आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप जरूर देखें, उससे आपको न्यूमेरिकल करना बड़ा आसान हो जाएगा, बड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो है नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल सॉल्व करें। आई होप आपको चीजें क्लियर होगी, ठीक।
तब तक नेक्स्ट के चीजों के लिए देखते रहे मेरा चैनल इकोनॉमिक्स विद एस के। ठीक, तब तक के लिए अलविदा, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें चैनल को। थैंक यू।